दोस्तों इस साल के आखिर में हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव। यहाँ पर भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भाजपा सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर एक मंच बनाया गया है, एक आम जनता के लिए मंच बनाया गया है जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद बैठे हुए हैं। अगर पोस्टर देखेंगे तो पोस्टर में भी नज़र आ रहा है कि हरियाणा के सीएम और देश के पीएम जो हैं उस पोस्टर में नज़र आ रहे हैं। ये जो मंच तैयार किया गया है हरियाणा के लोगों की मन की बातें सुनने के लिए, यानी कि जन संवाद करने के लिए, जिसकी जो तकलीफ है जो परेशानी है वो आप आकर सीएम के सामने कहिए, सीएम साहब आपके दुख तकलीफ परेशानियों का निवारण करेंगे, आपको भरोसा दिलाएंगे कि वो जो है आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी चीज़ों को, आपकी दिक्कतों को, आपकी परेशानियों को जो है वो जो मसला है उसको हल करेंगे। लेकिन बीते दो दिनों से इस जन संवाद में जन का गुस्सा जो है वो कैसे दिखाई दिया जा रहा है वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगी दोस्तों, कि आज फिर से हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के सामने एक महिला आती है फरियाद लेकर, और वो महिला अपनी फरियाद लेकर जो है कहती है कि एक महिला की इज्जत जो है उसकी साड़ी उसके दुपट्टे में होती है, और वो सीधे तौर पर अपना दुपट्टा अपना मान सम्मान उनके कदमों में लाकर रख देती है और रोने लग जाती है फक 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 कर कि कैसे जो है उनको परेशानी है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको तकलीफ है, वो अपनी दिक्कत परेशानी सीएम साहब के सामने कहने लग जाती है। और इस वीडियो में अगर आपको आवाज़ आ रही होगी दोस्तों तो सीधे तौर पर इस वीडियो में सुनाई ये भी दिया जा रहा है कि नौटंकी जो है वो बंद करो, ये सारे नौटंकियों का जो है जो तुम लोग कर रहे हो वो सब कुछ बंद करो। तो ये जो महिला जो कर रही है, जो अपना दुपट्टा सीएम साहब के कदमों में रख रही है दोस्तों, वो सीएम साहब को और वहाँ पे मौजूद लोगों को शायद नौटंकी लग रहा है, जैसा कि इस वीडियो में आवाज़ आ रही है दोस्तों। इस वीडियो के आधार पर मैं ये बातें आपको कह रही हूँ कि इस वीडियो में सीधे तौर पर ये आवाज़ आ रही है कि नौटंकी बंद करो, ये ड्रामे बंद करो। इससे पहले कल भी जनसंवाद में किसान अपनी मांगों को लेकर खट्टर साहब के पास पहुँच रहे थे तो किसानों पर पुलिसिया डंडे जो है वो बरसाए गए, किसानों को पीटा गया। और तो और कल मनोहर लाल खट्टर का एक और वीडियो सामने आया दोस्तों, उस वीडियो में वो एक कार्यकर्ता को, जी हाँ कह रहे थे कि ये कार्यकर्ता है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता है और जनता से अपील कर रहे हैं कि तुम इसे पीटना शुरू कर दो। क्या एक सीएम को ये शोभा देता है कि वो मारपीट की बातें करे, मंच पर पब्लिक को भड़काने की कोशिश करे कि ये फलाने पार्टी का कार्यकर्ता है, वो यहाँ आ गया है तो इसे तुम पीट डालो, मार डालो, मारने का आदेश दे रहे हैं कि डंडे लाठियों से पीटो। तो ये स्थिति है दोस्तों हरियाणा के अंदर, जहां पर सरकार जो है वो कैसे सत्ता के नशे में चूर नजर आ रही है, कैसे जो है जंतर मंतर पर महिला पहलवान अपनी मांगों को लेकर लगातार 20-22 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है, और फिर हरियाणा के लोग कैसे त्रस्त है इसका जीता जागता उदाहरण कल भी आपने देखा और आज भी आपको दिखा रही हूं। इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो महिला फरियाद लेकर आती है और अपना दुपट्टा जो है उनके कदमों में डाल देती है। इस वीडियो को पवन बॉक्सर नाम के एक यूज़र है, हरियाणा के ही है, और शेयर करते हुए लिखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिदिन बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। आज तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि महिला अपनी इज्जत अपना दुपट्टा मुख्यमंत्री के कदमों में रखते हुए नजर आ रही है, बेहद शर्मनाक है ये नज़ारा। देखिए दोस्तों एक और वीडियो है जहां पर कल बताया जा रहा था कि एक कार्यकर्ता घुस गया और उसको घसीटते हुए मनोहर लाल खट्टर की सभा से, यानी कि जनसभा से बाहर निकाला गया है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जो है वो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, राज्यसभा MP इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के, वो लिख रहे हैं कि डब्बावली में मनोहर लाल खट्टर की जनसंवाद सम्मेलन में आदेश देते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो व्यक्ति है उसे उठाकर ले जाओ और इनकी पिटाई करो, BJP फॉर हरियाणा, आम आदमी पार्टी हरियाणा, इन सबको टैग किया इन्होंने और कहा है कि इनसे इतना क्यों डरती है कि इनके सीएम सभा में शिष्टाचार को भी भूल जाते हैं और मारपीट करने का आदेश देते हैं। खट्टर जी आपकी जेल कम पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल के सिपाही कम ना होंगे, तो इस तरीके से इन्होंने ये बातें कही है। अगर वीडियो में दिखाई दी जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको घसीटते हुए लोग उठाकर ले जा रहे हैं उनके आदेश पर
कि इसे ले जाओ और पीटो। आगे कुलदीप एस नाम के यूज़र हैं, किसान नेता हैं, वो भी लिख रहे हैं कि खट्टर साहब की बौखलाहट देखो, जब मैंने सवाल पूछना चाहा तो सरेआम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का है और इसकी पिटाई करो। क्या खट्टर साहब आप सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री हो? अब इस तानाशाही सरकार का अंत नज़दीक आ चुका है। कुलदीप सिंह गर्दाना, तो इन्होंने अपनी बातें रखी है कि क्या सिर्फ आप बीजेपी के सीएम हो, क्योंकि सीएम तो एक राज्य का होता है, जैसे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं उसी तरीके से सीएम जो है एक राज्य का, हरियाणा के सीएम है तो हरियाणा के लोगों की बातें सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है तो इसे मारो पीटो उठा उठा कर फेंको। आम आदमी पार्टी के पेज से भी शेयर किया गया है कि ये आपका कार्यकर्ता है, इसकी पिटाई करो। ये हरियाणा के सीएम खट्टर जी का बयान है, इन्हें सत्ता से बाहर करो। इन्हें अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है कि सवाल पूछने वाले हरियाणा के नागरिकों में इनको आपका कार्यकर्ता दिखने लग जाता है। इनको ये नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसीलिए इन्हें पीटना शुरू कर दो। तो इस तरीके की तमाम वीडियो जो है इनके जनसंवाद की सामने आ रही है, जहाँ पर जनता से जन जो है जनसंवाद जो है वो बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हो रहा है तो सिर्फ मार पिटाई और लाठी डंडे से, जो जिस तरीके से पीटने की खबर सामने आई, किसानों ने आरोप लगाया कि कैसे हमें, हम अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे थे तो हमें लाठी डंडों से पिटवा दिया गया, रास्ते में ही रोक लिया गया। तो ये सब कुछ जनसंवाद से जो है खबर सामने निकल कर सामने आ रही है कि कैसे जो हरियाणा में तानाशाही का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है। और इस बार खट्टर सरकार को जो है हम उखाड़ कर ही फेंकेंगे, ऐसा किसान नेताओं का, वहाँ के कर्मचारियों का, वहाँ के युवाओं का लगातार बयान सामने आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।